न्याय की लड़ाई प्रधानमंत्री कार्यालय से कर रहे हैं मांग। चेयरमैन नीतीश कुमार ठाकुर, ठाकुर फैमिली ट्रस्ट यूएसए पर लगे आरोप बेबुनियाद। माननीय ईडी ट्रिब्यूनल नई दिल्ली ने खारिज की समस्त धोखाधड़ी के आरोप। माननीय न्यायालय ने जब्त की गई संपत्ति को वापस करने का किया निर्देश। दरअसल आपको बता दें कि ठाकुर फैमिली ट्रस्ट सन 1986 में अमेरिका में बना और 1995 में इंडिया और दुबई में रजिस्टर हुआ। बता दें कि ठाकुर फैमिली ट्रस्ट मुंबई के दो बड़े बड़े रियल एस्टेट में अपना स्वरूप बनाकर काम कर रहे थे, जहां ट्रेड सेंटर घाटकोपर में 1308 एकड़ और समता नगर कांदिवली में 56 एकड़ पर ठाकुर फैमिली ट्रस्ट की दो महत्वपूर्ण परियोजना मुंबई में शुरुआत हुई, जो कि आर्थिक और सामाजिक रूप से देश के लिए अहम थी, लेकिन इसे दुर्भाग्यवश दुर्भावना से प्रेरित होने के नाते रोक दिया गया और ट्रस्टियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में ट्रस्ट की सभी चल अचल संपत्तियों और बैंकों खातों समस्त प्रॉपर्टी दस्तावेजों को डिब्रीज कर जब्त कर दिया गया। साथ ही साथ ठाकुर फैमिली ट्रस्ट में एसपी ग्रुप सापुर जी पालन जी ग्रुप को अपने महत्वपूर्ण परियोजना में हिस्सेदार बनाया। सन 2006 में बनाने के बाद एसपी ग्रुप की नियत में खोटा गई और वह परियोजना हड़पने लगा। टीएफटी के साथ संविदा करार दस्तावेज और वादे से मुकर गया और उन्होंने नीतीश ठाकुर के ऊपर झूठे 55 मुकदमे महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के एजेंसियां द्वारा दायर कर दी। वही परंतु देखते ही देखते लगातार एसपी ग्रुप अपने सारे कारनामे से उठता ही गया। सैकड़ों मामला नीतीश ठाकुर और ठाकुर फैमिली ट्रस्ट पर लगे, सरकारी आरोपों को साबित नहीं कर पाई। मैं अशोक कुमार पांडे ठाकुर फैमिली ट्रस्ट की तरफ से अपनी समस्याओं का आपके साथ अवगत कराना चाहता हूँ। हमारा ठाकुर फैमिली ट्रस्ट 1982 में अमेरिका में बना, 95 में इंडिया और दुबई में रजिस्टर्ड हुआ। हमारे ट्रस्ट मुंबई की दो रियल इस्टेट बड़ी परियोजना पे काम कर रहा था। एक घाटकोपर में 1308 एकड़ था, दूसरा कांदिवली समता नगर में 56 एकड़ था। ये जगह हमने सरकार से ट्रस्ट ने पैसा लेके दे के खरीदा और इसमें हमारे जो इन्वेस्टर थे अल मकटोम दुबई के क्राउन प्रिंस दुबई की सरकार थी, उन्होंने ये सारा पैसा इस ट्रस्ट के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया था। 2005 में हमने साकुर जी पालन जी को एज ए डेवलपर अपॉइंट किया कि जो ट्रस्ट की ज़मीनों पे प्रोजेक्ट डेवलप करना है, लेकिन उसकी नीयत में खोट आ गया। उसने हमारे ट्रस्टियों के ऊपर और ट्रस्ट की परियोजना के ऊपर धोखाधड़ी के आरोप करके उनके ट्रस्टियों को अंदर जेल करवा दिया। उनके ऊपर कई तरह की इंक्वायरी हुई। नीतीश ठाकुर जो हमारे चेयरमैन जो एक्स आई एस ऑफिसर भी रहे, मुंबई के डिप्टी कलेक्टर, माढ़ा के डिप्टी कलेक्टर, रायगढ़ के डिप्टी कलेक्टर थे और महाराष्ट्र के रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, उनके ऊपर में पद के दुरुपयोग का और आय से अधिक संपत्ति का कई मामले दर्ज हुए हैं। और 2010 से लेकर 2019 तक एसीबी कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफ़र होते हुए मामला ईडी पीएमएल ट्रिब्यूनल में पहुंचा, जहां 17 जनवरी 2019 को माननीय ईडी न्यायालय ने पीएमएल ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली ने नीतीश ठाकुर, नीलेश ठाकुर और ट्रस्ट के ऊपर लगाए गए सभी आरोप से उन्हें मुक्त कर दिया और बताया कि ये जो पैसा था क्लीन क्लियर मनी था और सारी प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट जो जब्त किए हुए थे उनको लौटाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन तब से अब तक यह हमारा मामला प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है। इससे संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट थे, राज्य सरकार हैं, केंद्र सरकार हैं, ईडी हैं, एसीबी है, महाराष्ट्र पुलिस है, सबको हमने सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए, अवगत कराए। 70 से अधिक रिसीविंग दी है, 2000 से अधिक ईमेल हैं, दो बार डिप्लोमेट ने सारा पेपर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को भेजा है कि जब हमारा मामला न्यायालय से बरी हो चुका है, हम वाइजित बरी हो चुके, तो हमारी प्रॉपर्टी, पैसे और प्रोजेक्ट हमें वापस किए जाएं। लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसके साथ हमारे साथ किसान जुड़े हुए थे, जिनमें से 107 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी और पैसे उन्हें वापस नहीं मिले। क्योंकि हमारे ट्रस्ट का जो दूसरा प्रोजेक्ट था किसानों के साथ था, जिसमें डेयरी फार्मिंग था, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट था,
जहां उनकी सीवर्धन में 700 एकड़, नासिक में 76 एकड़, 78 एकड़ जमीन थी, वो भी जब्त है। ट्रस्ट की चल अचल सारी प्रॉपर्टी जब्त है। तो किसानों की कोर्ट के आदेश के बावजूद किसानों की जमीन नहीं दी गई, ना ही उनका पैसा वापस किया, क्योंकि किसानों का भी पैसा कपोल कोऑपरेटिव बैंक में हमारा मेन अकाउंट था, जिसके अंदर में किसानों का पैसा और हमारा ट्रस्ट का FSI का पैसा जो 10,000 करोड़ था और FD की वैल्यू आज के डेट में 250 करोड़ होगी, वो भी ED ने जब्त करके फ्रीज कर दिया था। वही नहीं परंतु विवादों से भिन्न परियोजना को मिल्क डेयरी प्रोडक्ट अलीबाग के 78 एकड़, सीवर्धन लैंड के 500 एकड़ और नासिक स्कूल 70 के एकड़ ट्रस्ट के करंट अकाउंट कपूर ऑपरेटिव बैंक मडाड में 10,000 करोड़ और फिक्स्ड डिपॉजिट के वैल्यू आज की तारीख में 250 के आसपास। नीतीश ठाकुर और ट्रस्टियों और ट्रस्ट के खिलाफ विभिन्न अदालतों में केस चलता रहा और 17 जनवरी 2019 तक अदालत के सभी माननीय न्यायालय में नीलेश ठाकुर और ट्रस्ट के ऊपर लगे आरोपों से मुक्त कर तत्काल सभी संपत्ति, परियोजना बैंक अकाउंट, आज से जमा राशि को त्वरित लौटाने के आदेश दिए। दुबई सरकार ने ट्रस्ट की परियोजना में इन्वेस्टमेंट कराया और इस इन्वेस्टमेंट इंडिया UAE BP ट्रीटी के अंतर्गत आता है। तब से 17 जनवरी 2019 के बाद से यह सेटलमेंट प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री के पास पेंडिंग है। कुछ परियोजना ठाकुर फैमिली ट्रस्ट महाराष्ट्र के किसानों के साथ थी, जो कि बिना वजह के जब्त कर लिया गया और माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद भी किसानों की जमीन उन्हें नहीं दी गई और अब तक 24 किसानों की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी सूचना और मृत्यु प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा किया जा चुका है। यही नहीं परंतु 17 जनवरी 2019 के बाद से चेयरमैन श्री नीतीश ठाकुर जी द्वारा अब तक हजारों ईमेल दस्तावेज के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव श्री PK मिश्रा जी तथा संबंधित विभाग और राज्य सरकार को उपलब्ध करवाया जा चुका है। साथ ही साथ अशोक कुमार पांडे, अधिकृत सिग्नेटरी फॉर इनिशियल सेटलमेंट वर्क ठाकुर फैमिली ट्रस्ट, लगभग 70 बार प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, विदेश मंत्री कार्यालय, इंडिया UAE और संबंधित विभागों तथा राज्य सरकार को जमा करवाया गया है। हमारे ट्रस्ट चेयरमैन नीतीश ठाकुर और ट्रस्ट से जुड़े किसानों का प्रधानमंत्री कार्यालय से निवेदन है, बिना विलंब समय गवाए माननीय ED ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश को लागू किया जाए, किसानों के साथ न्याय किया जाए और ट्रस्ट के सभी संपत्ति तथा बैंक अकाउंट को तुरंत अनफ्रीज करके उनका पैसा 10,000 करोड़ जो FSI और FD का है, जो कि लौटाया जाए और UAE इंडिया BP ट्रीटी के तहत सेटलमेंट की प्रक्रिया को पूरी की जाए। इसके बाद हमें पता चला कि कपूर बैंक के जो मैनेजर थे मलाड ब्रांच के मिस्टर गरोड़िया और संजय शाह और कुछ कपूर बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत ने करके हमारे ट्रस्ट के अकाउंट से 1,000 करोड़ रुपए चुरा लिए, जिसके लिए गोरेगांव पुलिस चौकी में FIR हुई और उसकी ED ने जांच भी की और जांच में पाए गए हमारा दावा सत्य है। इस दावे के आधार पर रिजर्व बैंक ने 25 सितम्बर 2023 को कपूर बैंक का लाइसेंस कैंसिल करके लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया और जो मिस्टर विजय कुमार हैं IAS है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन है, जो इसकी जांच कर रहे हैं। अब तक हमारे साथ में अन्याय होता आया है। UPA गवर्नमेंट के समय जो हमारे ट्रस्ट के साथ एक घृणित कार्य हुआ, किसानों के साथ घृणित कार्य हुआ, BJP के शासनकाल में न्याय हुआ, लेकिन अभी तक ना हमें हमारी जमीन मिली, ना प्रोजेक्ट मिला, ना पैसा मिला। हम इस न्यूज के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय और संबंधित सभी डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि हमारे किसानों का पैसा जल्द से जल्द दिलाया जाए। ट्रस्ट की फ्रीज की हुई बैंक अकाउंट, FD, प्रॉपर्टी और जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो हमें तुरंत कोर्ट के आदेश के अनुसार रिलीज किया जाए और कपूर बैंक के सामने हम लोग आमरण उपोषण के लिए हमने जो पुलिस स्टेशन में आवेदन दिया है, जो कि उन्होंने कहा कि यह आप आज़ाद मैदान में जाकर कर सकते हो
और हमें जब तक पैसा नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र के किसान जो हैं वो आज़ाद मैदान में आकर आमरण उपोषण करेंगे। और हमारी जो मांगे हैं वो निम्नलिखित हैं, मैं न्यूज मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय से, वित्त मंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय और राज्य के सभी संबंधित विभागों से अपील करता हूँ कि किसानों को उनकी ज़मीन, उनका पैसा दे दिया जाए जो कपोल बैंक के अधिकारियों ने चोरी किया है, जो साबित हो चुका है। दूसरा, जो हमारा पैसा और प्रोजेक्ट जो फ्रीज है उसे हमें त्वरित वापस किया जाए। और जो इंडिया यूएई बीपा ट्रीटी के तहत दुबई गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है उसे सॉल्व किया जाए, उस पर समझौते के अनुसार उसका समझौता हो और नीतीश ठाकुर की स्वदेश वापसी का डिप्लोमेटिक तरीके से रास्ता दिया जाए। हम इसलिए कोर्ट के माध्यम, न्यूज़ के माध्यम से हम अपील करते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी अपील प्रधानमंत्री कार्यालय और बड़े बड़े कार्यालय में बैठे अधिकारियों को पहुंचेगी। धन्यवाद। जय सियाराम।